सर भाई ये नया एक डायनो वैली सफारी पार्क में बंदा जो हमें खाना डालता है। अच्छा भाई सारी की सारी जो बत्तख है ना वो हमारे पास आ गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आया हुआ था सफारी पार्क और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एम्बियांस था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं। यार ये देखें आप, झील में इन्होंने बोट वगैरह भी चलाई हुई है, बत्तखें हमारे पास आई हुई है खाना खाने के लिए। आप ये चेक करो, ठीक है, तो इस तरह के मनाजिर हैं। बिल्कुल पास मेरे बत्तखें आई हुई हैं, बिल्कुल तैर रही हैं। वहाँ पे एक दूर हट भी बना हुआ है, वहाँ पे भी बत्तखें हैं, यहाँ पे शायद इनकी ब्रीडिंग हो रही होगी। वो बहुत खूबसूरत लगा तो भाई मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं यार कि आज हम कहाँ कहाँ इंजॉय कर रहे थे। ये देखो भाई, आज आपको दिखाते हैं, पहले तो आप जगह चेक करो, ठीक है, जगह बताओ कौन सी है, गैस करना। ये डक्स आई हुई नीचे, ये देखो गंदगी हो रही है थोड़ी। यार इस वाली का कलर चेक करो, ब्राउन वाली का। ओ माय गॉड, जबरदस्त खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए, एक और डक निकल के आई, ये कहाँ से आई? अबे ये अंदर छुपी हुई थी। ओ भाई चार हो गई ये तो, ये दो और आ गए मेरे पाँव के पास। ये कचरे में कहाँ से आ गए? अच्छा इन्होंने नीचे डब्बा वो बनाया हुआ, बहुत सारी हैं भाई ये तो। ये कुछ खाने के लिए मांग रही हैं, इनको कुछ खाने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन जगह आप चेक करो कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आए हो आप। खैर ये मैं एंड में बता ही दूंगा, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग गैस भी करो ज़रा कि कौन सी जगह, और बत्तखें आपने चेक कर ली होंगी। चले आगे चलते हैं और दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। यार ये चेक करो आप लोग, क्या मंजर है यार, नेचुरल नेचुरल सब कुछ नेचुरल है ये, और क्या बात है। खैर मुझे बत्तखों का शौक तो नहीं, लेकिन नेचर के अंदर जाहिर है आपको एक चीज़ दिखेगी तो प्यारी सी लगती है, क्योंकि जो भी नेचर लवर होता है उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। चेक करो क्या बात है यार, मंजर ही अलग है। वो आगे बहुत ज़्यादा है भाई तादाद में, ओए होए 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 भाई शेर भी है यहाँ तो, शेर भी है। और आप शेरनी की धा वो चेक करो, है बत, आओ इधर आओ, सिम्बा सिम्बी है बल्कि ये तो, यार जबरदस्त। यार शेर भी होगा फिर, पता शेर पीछे तो नहीं है कहीं, एक केज और है यहाँ, टर्टल बना हुआ है, टर्टल। टर्टल बना हुआ है लेकिन इधर है नहीं वो जो हम समझ रहे थे, शेर उधर ही है। अच्छा भाई ये है काला ताजदार सारस, ये देखो भाई खड़ा हो गया, ये भी बैठा हुआ था इसके साथ, वो है काला ताजदार सारस। इसका सर के ऊपर देखो आप ताज कैसा है ज़बरदस्त। चलो बहरहाल खूबसूरत है, ये खूबसूरत बर्ड है बहुत। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। मोर भी है पीछे, वो तो आपने देख लिया होगा, मोर तो कॉमन बर्ड है लेकिन ये यूनिक चीज़ है, ज़रा नई चीज़ है। ओ भाई शेरनी खड़ी हो गई है, शेरनी, ओह ओ क्या बात है यार, क्या बात है। इसको पकड़ेगा, या अल्लाह, जैसे उसने देखा ना कि उसका मालिक आ रहा है खाना डालने के लिए तो वो फौरन आ गई उसको पहचान के, उसको पता यही है वो बंदा जो हमें खाना डालता है। वो खाना डालने के लिए ना वो बंदा आया था, ये इसने खाना पानी डाल रहा सबको, तो ये पहचान गई फौरन, ये फिर बैठ गई। अब उसने उसको देखा था तो वो खड़ी हो गई थी। क्या सीन है भाई, ये ज़बरदस्त मंजर था। पीछे शेर भी है, बब्बा शेर, मगर वो दिख नहीं रहा, कलर उसका डार्क है, पीछे से दिख नहीं रहा। क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त कैप्चर हो गया सीन कैप्चर हो गया। ये देखो भाई बच्चों ने ना मछली फेंकी है इसको,
कच्ची मछली इन बच्चों ने भेजी है और वो खाई नहीं, लेकिन उसने वहाँ तक गई नहीं। भूखी है ना, तो तुम लोग ये नहीं देते तो इसकी देते। तो ये इतनी सेहतमंद कैसे है शेरनी, ये इतनी सेहतमंद कैसे है? फिर वो देखो, वो देखो, वो देखो उसको, उसको वो आई है, आवाज नहीं करेगी अभी। नहीं, वो पीछे से वो खाना डालने के लिए आया है ना, तो वो भागी है पीछे, उसने देखा वो पीछे से आवाज आ रही है, उसको पता है खाना डालने के लिए आएगा वो बंदा। ओ भाई क्या मंजर है यार, क्या मंजर है। शेर ऐसा मुंह फेर के क्यों बैठा हुआ पीछे? आ गया भाई, आ गया, शेर भी आ गया। ओ भाई शेर चेक करो आप, शेर चेक करो यार, शेर का साइज है कोई, बहुत ह्यूज शेर है। वो कहाँ गई शेरनी, भाग गई, बराबर में भाग गई। ओहो हो, शेर जैसे खड़ा हुआ, वो शेरनी जो है वो बराबर में भाग के आ गई है। ये आ गई है, हाँ वो छुप रही है इससे। शेर भी झांक रहा है। ओ हो हो हो, बाबा आ गए बाबा। वो देखो भाई ऊपर चढ़ गया शेर, पता नहीं दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा अंधेरे की वजह से, लेकिन उधर से इनका मालिक आया है। मालिक से मतलब है कि जो खाना डालने, ये देखो ये खाना डालने ना, इनको देख के वो शेर वहाँ से ना बार बार देख रहे हैं, वो उनको पता है खाना डालेगा ये, इस वजह से वो कछुए भी भागे भागे आ रहे हैं। पता है ना जब ही वो भागता हुआ है, वो देखो शेरनी भी आ रही है, उधर से शेरनी भी आ रही है। ओह ये सीन बड़ा टाइट है, सीन बहुत टाइट है ये। ये देखो बाबा खाना डाल रहे हैं और शेर इधर से देख रहा है, शेरनी भी इंतज़ार कर रही है कि हम भी खाना डालेंगे। वो शेरनी ऊपर चढ़ गई, बाबा इधर खाना डाल रहे हैं बराबर वाले पिंजरे में। जबरदस्त मंजर है ये, बहुत खाना डल रहा है इसको। टर्टल्स है, टर्टल हाँ, अफ्रीकी कछुआ। अब वो बराबर में जब इनको खाना डालेंगे ना, वो सीन होगा देखने वाला। चलो भाई इनको तो खाना डाल दिया बाबा ने, अब शेरों की जब बारी आएगी ना तो है वो सीन। उसके बच्चे ही है, जबरदस्त यार, जबरदस्त भाई। नेवला नजर आया मुझे, वो देखो भागा भागा भागा। ओए होए भाई क्या बात है, लाइव देखा है मैंने, नेवला भाग गया। ऐसा लग रहा है असली जंगल है यार, पूरा का पूरा ऐसा मंजर है जैसे जंगल के जैसा है। चेक करें आप था भाई, ये नया एक डायनो वैली सफारी पार्क में ऐड हुआ है फॉर फैमिलीज ओनली, तो यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं अभी कि इसके अंदर क्या है। अच्छा भाई जब हम एंटर हुए हैं डायनो वैली के अंदर ना, तो पहला तो डायनासोर ये है, 100 रुपये का टिकट लिया उसने, एक बंदे का 100 रुपये, बहुत सस्ता है मेरे हिसाब से तो। अच्छा इन्होंने डायनासोर बनाए हुए हैं अंदर डिफरेंट किस्म के ना, और अंडे बनाए हुए हैं, एक डायनासोर ये रहा, दो वो रे, उन पर धूप पड़ी थी तो कवर करा हुआ है, अंडा बना हुआ है डायनासोर का अंडा। वाह भाई वाह क्या बात है, अंडे के अंदर आप जा भी सकते हैं और पिक्चर खिंचवा सकते हैं। और ये देखें भाई अंडा, अंडे में से डायनासोर निकल रहा है, ये चेक करो आप सीन क्या। वाह भाई वाह, डायनासोर के अंडे में से बच्चा निकल रहा है, अमेजिंग। चलो आगे चलते हैं। अच्छा डायनासोर चल रहे भी हैं भाई, बकायदा मुंह हिला रही है तो। वाह भाई वाह क्या बात है, ये तो चल रहा है भाई, जा जिंदा है जिंदा, जबरदस्त। ओए हो वाकई में ओरिजिनल लग रहा है।
आंखें भी बंद कर रहा है, आंखें खोल रहा है, जिंदा है बकायदा। और इधर की तरफ देखते हैं क्या है। अरे भाई ढांचा बनाया हुआ है, फुल ढांचा बनाया हुआ है डायनासोर का ना, वो पानी के अंदर छोड़ा हुआ उसको। वो बड़ा वाला चेक करें आप, ओए हो ऐसा लग रहा है जिराफा है, जिराफ वो डायनासोर के दौर की जिराफ होगी। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, यहाँ पे बैठ के भी बंदा तस्वीर ले जा सकता है। वो आवाज़ भी आ रही है भाई, सब जिंदा है भाई। ओ ओ ओ ये स्पीकर खोला हुआ है, स्पीकर खोला हुआ है इन्होंने, इसके अंदर से आवाज़ आ रही है। चलो भाई ये हो गया। अच्छा ये बड़ा वाला है, बहुत बड़ा है ये, ह्यूज साइज का मेरे ख्याल में यही है। एक वो है लेकिन उसकी गर्दन वगैरह पतली है, ये मुंह बहुत बड़ा है इसका। ये तो ऐसा लग रहा है ओरिजिनल है बिल्कुल, पाँव माँव हाथ वात ऐसा सब ओरिजिनल लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त यार डायनो वैली तो इन्होंने कमाल की बना दी। अच्छा उस साइड पे भी है भाई, चलें बहरहाल हम यहाँ से चलते हुए जाते हैं। रास्ते में क्या क्या आ रहा है, ये कहा और आगे अंडे से निकल रहा है बच्चा, ये क्या नेम भी है भाई डायनासोर का, नेम भी लिखे हुए इन्होंने हर जगह। स्टेगोसॉरस प्लैटिलेट प्लैटेड लिजर्ड, अच्छा मतलब उन्होंने हर डायनासोर के दौर के जो नाम होते होंगे ना डिफरेंट, वो भी हर जगह पे लगाए हैं। ओहो आवाज़ भी निकाल रहे हैं लोग तो भाई, खतरनाक बहुत खतरनाक। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे राइनो है, राइनो तो छोटा सा है, छोटा सा है, मुँह हिला रहा है। ओहो नाम सबके लिखे हैं लेकिन मेरे ख्याल में इतने मुश्किल मुश्किल नाम है बता के मज़ा आएगा नहीं है। बहुत ज़बरदस्त यार, चलो 100 रुपये में बुरा नहीं है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती भाई। 100 रुपये में आपको पूरा एक्सपीरियंस दे रहे हैं डायनो वैली का, और आपको यूट्यूब पे बिठा के फ्री में देखने को मिल रहा है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये वाला भी बहुत बड़ा यार, बहुत ह्यूज साइज का है, हाथ छोटे छोटे हैं मगर इनके। ओ माय गॉड, अच्छा वो जो पीछे वाला था ना जो डैन गेंडे के जैसा लग रहा था वो भी हिल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में हिल रहे हैं ये। वो देखो भाई, ये देखो हिल रहा है, आँख खोल बंद कर रहा है और हिल रहा है। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, ये भी आँख खोल बंद कर रहा है और हिल रहा है, जिंदा लग रहा है भाई जिंदा। चलो भाई अंडे से निकल रहा है एक और डायनासोर, बहुत ही आला है और बहुत ही बड़ा है ये तो, इसकी दुम यहाँ तक आ रही है, ह्यूज साइज का बहुत बहुत ह्यूज, बढ़िया है बढ़िया, क्या बात है। ओए होए 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 जबरदस्त भाई जबरदस्त, मूवमेंट चेक करें आप इसके फेस की। ओ भाई सिंक्रोनाइज किया हुआ है जो इसकी साउंड है उसको उसके फेस के एक्सप्रेशन के साथ ताकि ऐसा लगे रियल है, तो वाकई में रियल लग रहा है। ये देखें मुँह जैसे ही वो खोलता है आवाज़ आती है। ओए हो भाई अनबिलीवेबल कर दिया इसने। चलें जी और आगे चलते हैं, ये वही बड़ा वाला, बड़ा वाला तो बहुत ही अमेजिंग है यार, ये भी हिल रहा है भाई, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त यार, ह्यूज साइज के हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने आउट स्टैंडिंग कर दिया भाई। ये वाला भी बहुत बड़ा है, चले और आगे चलते हैं और क्या है आगे, मेरे ख्याल में आगे कुछ भी नहीं है, एग्जिट है। तो आपको छोटी 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 चीज़ें दिखाई हैं मैंने व्लॉग के अंदर, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो तैमूर हॉबी को,
और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें।